उन सबको जूता से मारना चाहिए, और महंगा जूता से नहीं, सस्ता जूता से। 300 रुपए वाला जो जूता होता है ना, वही उन लोगों का औकात है। धोबी अगर लयदार होगा तो पटहा पर लुगा फींचेगा तो जब मारेगा उलाट के तो धा कहेगा ये गवैया कौन भोसड़ी वाले है रे। सस्ती टीआरपी के लिए पवन को बेली है, कल हो सकता है पवन के यहाँ से बुलावा है तो खेसारी को भी बोल दे, किसी को भी बोल सकते हैं। 2 दिन पहले वो एक दिन हमारो घरे चोरी हो रहा। विवाद विवाद विवाद। भोजपुरी के कुछ कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। शायद जितना विवाद अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, इसके अलावा किसी और इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार विवाद विवाद ही चल रहा है, चाहे वो अहिरान बबुआन के हो, कहीं ना कहीं जातिवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा एमएम्स वीडियो वायरल हो रहा है तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भोजपुरी में इतना विवाद क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि जी और विशाल जी है। ये बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं, इतना पहले कभी भोजपुरी के अलावा किसी और इंडस्ट्री में विवाद देखे हैं? देखिए, दो सालों से भोजपुरी में जो कचड़ा फैला है ना, उसको अब निकाला नहीं जा सकता। जानते काहे कचड़ा फैला है? क्योंकि 4 ग्रेड का जो कलाकार है अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है अपडेट ले रहा है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में दाखिला ले रहा है। तो जब 4 ग्रेड इंजन को गाड़ी में लगा दीजिएगा तो गाड़ी तो ऐसे डगमग चलेगी। जो कलाकार 4 ग्रेड का है, जिसको आ बा सा हारमोनियम बजाने नहीं आता है, वो अब भोजपुरी में घुस रहा है। यानी किसी भी रील स्टार को आप मूवी में घुसा दीजिएगा, किसी को टिकटॉक स्टार को जो है मूवी में घुसा दीजिएगा, किसी को भी आप स्टार कह दीजिएगा, जो कलाकार बनने के लायक नहीं उसको कलाकार जब आप बनाइएगा जबरदस्ती तो दिक्कत तो होगा ही। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे आप मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई है, हम तीनों में गाली गलौज हो रहा है कि मारपीट हो रहा है, ये हम लोग में ही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब कोई थर्ड आदमी आके घुसेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो खेसारी जी क्यों ही गलत बोलती तो ये भी बर्दाश्त के लायक नहीं था। और देखिए, एक मिनट देखिए, पहले इस देश को नेताओं ने जातिवाद में बांट दिया, जात पात का राजनीति पहले में बांट रहे हैं कि हम यादव जी हैं तो हम यादव जी की भाई। हमारे यूपी में कहावत है, घर का छिनार तो बहरे के लेकिन विचार, मतलब जो है अगर आप हम भाई भाई हैं और आपस में लड़ रहे हैं ना, तो तीसरा तो मजा लेगा ही लेगा। कहानी की तरह 2 बिल्लियों की रोटी बंदर पूरी खाएगा। समझना पड़ेगा, अगर खेसारी जी उसको मना कर दिए होते तो वो नहीं कि भाई तुम दूसरे। एक तरफ ये लोग लाइव आकर बोलता है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, वहीं दूसरे तरफ खुद ये लोग फैंस के माध्यम से। वो अलग छोड़िए, देखिए हम ये मान रहे हैं कि अगर हम दोनों जो है आपस में नहीं लड़ते तो तीसरा आके कोई का औकात नहीं था उंगली उठा दे हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं लोगों ने परख लिया कि हम दोनों के अंदर जो है मान सम्मान समझौता है, अपना सिक्का ही खोटा है तो तीसरा तो मजा लेगा ही लेगा। लेकिन इससे चाचा से पूछिए कि आज के जमाने के भोजपुरी गानों को सुन पाएंगे? चाचा ये बताइए, पहले तो आप गाना बहुत सुन रहे होंगे भिखारी ठाकुर का, और भी बहुत सारे आज के कलाकारों का गाना याद है आपको? चाचा आपके आज के कलाकारों का गाना आज निकलेगा या कल खत्म हो जाएगा बाबू, आज कोई लय नहीं है। ये जितना ब्यासा कलाकार जो गाना गा रहे हैं, सिंगर सिंगरिया, ये सब लोग जो है नू वो लय नहीं गा रहे हैं, लय लगा रहे हैं। लय लगाना माने परलय होता है, मतलब ये लोग लय नहीं गा रहे हैं, लय नहीं सुना रहे हैं। भिखारी ठाकुर का गाना ये आज के छोटमोटिया सड़क छाप कलाकार जो किसी का घाघरा चोली उठा देते हैं ना, उनका गाना सुनेंगे नहीं। और मुझे इतना पता, उनसे 1000 गुना बढ़िया गाना हारमोनियम के साथ गा सकते हैं। नहीं होगा आजकल के सिंगरों का गाना याद। गाना सुनाइएगा थोड़ा। कुस के पलानी माटे मास के चचरवा, एक दिन हमारो घरे आई हाँ चोरी हरवा हो राम। वाह वाह। एक दिन हमारो घरे आई हाँ चोरी हरवा हो राम। अच्छा, आप ठीक है, हो गया, रुक। ये गाना लोग नहीं सुनेंगे। नया सिंगर का गाना आपको याद है? नया सिंगर के गाना को याद है? सिंगर का पवन खेसारी के कौन गाना है? बस यही फर्क है। पहले जब महत्व निकालिएगा ना तो जीवन जीने के लोग के गाना में धा है नहीं तो सुनने वाला गाना नहीं सुनेगा। धोबी अगर लयदार होगा तो पटहा पर लुगा फींचेगा तो जब मारेगा उलाट के तो धा कहेगा ये गवैया कौन भोसड़ी वाले है रे। देखिए मैं इतना बता रहा हूँ जो गाना चाचा ने सुनाया ना वो जीवन जीने की कला बताएगा, मतलब आपकी जीवन दिनचर्या से जुड़ा है और वो गाना गाना ही नहीं होता जिसमें जीवन जीने की कला ना बताई जाए। बाकी चोली घाघरा तो आप भी उतार दीजिएगा 2 मिनट में जो है गाना गा के माध्यम से। ये 50 साल बाद भी लोग इसको सुनेंगे इस गाने को, लेकिन ये लोग आ रहा है 10 दिन में ट्रेंडिंग देख रहे हैं ट्रेंडिंग। अरे साला अगर ये लोग लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जा रहा है कूदने लग रहा है अपना औकात भूल जा रहा है। अगर किसी छोटे से लड़के को आप मुख्यमंत्री से मिला दीजिएगा तो उसका औकात तो बदल जाएगा ना भाई, एकदम बदलेगा। अब इतना समझ जाइए जब तक आप सिंगर हैं, आप कंट्रोवर्सी में जब तक हैं तब तक आपका गाना चलेगा, चाहे वो कोई भी कलाकार हो चाहता है कि हम कंट्रोवर्सी में रहें और उसमें परेशान होता है जनता। यानी कंट्रोवर्सी में जो रहेगा वही चलेगा, कंट्रोवर्सी में नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। अब ये जानबूझकर लोग कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं ताकि हम कंट्रोवर्सी में रहें। जो लोग कह रहे हैं कि पोखरेल 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 ने बोल दिया है, पोखरेल किसी को भी बोल सकती है। आज वो अपने सस्ती टीआरपी के लिए पवन को बोली है, कल हो सकता है पवन के यहाँ से बुलावा है तो खेसारी को भी बोल दे, किसी को भी बोल सकती है। 2 दिन पहले वो किसी को भी बोल सकती है रवि जी, 2 दिन पहले वो बोली चेहरा चमकाना है। और जो इंसान सस्ता टैटू बनवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में दाखिला ले सकता है और उसी भोजपुरी में गाली दे सकता है तो क्या नहीं कर सकता। मैं एक और बात खेसारी लाल यादव जी को कहना चाहता हूँ। देखिए खेसारी लाल यादव जी अगर चाहते तो 2 मिनट में विवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार बोलते तो माफी मांग लेती, लेकिन वो लाइव आकर बोल रही है कि हम माफी नहीं मानेंगे। कौन है वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आज बिहार में मेरा घर हुआ बिहार में गोपालगंज, आज है उसका विरोध हम करेंगे, विरोध करेंगे। वो अगर खेसारी जी को भी बोली होती तो उसका हम विरोध करते। भोजपुरी किसी भी सिंगर को बोली होती। फिलहाल भोजपुरी के कुछ चुतिया कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय। महीना खाली जाता है जिसमें भोजपुरी में विवाद नहीं होता, आपको बता दीजिए। हर महीना होता है, काहे होता है पता है, क्योंकि ट्रेंडिंग में रहेगा, खत्म हो जाएगा, बाजार खत्म। कौन सुनना पसंद करता है भैया भोजपुरी का गाना? चाचा नहीं सुनना आज के आधुनिक युग, कई पुराना गाना सुनना पसंद करते हैं। और आप भी युवा हैं तो कहीं ना कहीं आप भी पुराना वही गाना सुनने का मन करेगा, लेकिन नई का कलाकारवा ना बर्बाद करके रख देनू। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, अब हमारे साथ बने रहें।